दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों के T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया और आज का मैच आपको बता दें कि दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही अहम था और खासकर भारत के लिए ज़्यादा, क्योंकि आज टीम इंडिया की इज्जत दांव पर लगी थी, क्योंकि अगर आज हारी तो टीम इंडिया की अपने ही घर में कीवी टीम के हाथों इज्जत गंवानी पड़ती और यह भी टीम इंडिया के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात होती, क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम 2012 के बाद में कोई भी मैच भारत में नहीं जीती है और ऐसे में कप्तान पांड्या यही रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए उतरे। वहीं हार्दिक ने आज चहल को आराम देते हुए कीवी टीम की बैंड बजाने के लिए उमरान मलिक को अपनी टीम में शामिल कर लिया। भारत की आज हर कोई ओपनिंग जोड़ी में बदलाव की उम्मीद कर रहा था। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आए ईशान किशन और शुभमन गिल की पारी आज अहम मौके पर टीम इंडिया को तो शानदार बल्लेबाजी करी, लेकिन ईशान किशन ने धोखा दे दिया। चालाक कीवी कप्तान सेंटनर ने ईशान की कमजोरी पर वार करते हुए उन्हें पहले ओवर में झटका दे दिया। ब्रेसवेल ने अपने दूसरे ही ओवर में ईशान किशन को आउट कर इंडिया को पहला झटका मात्र 7 रन के ऊपर ही दे दिया। आपको बता दें दोस्तों कि ईशान स्पिन बॉलर के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं, इसलिए कीवी टीम ने चालाकी से उनको आते ही स्पिन बॉलिंग करी और ईशान को एक बड़ा झटका दे दिया। लेकिन तारीफ करनी होगी शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी की, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के बदौलत विकेट को गंवाने के बाद भी अपना बल्ला चलाना नहीं रोका। इधर एक तरफ गिल कीवी बल्लेबाजों पे हावी हो गए और उधर तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 4 ओवर के अंदर ही कीवी बल्लेबाजों को जानदार से कूटा और कीवी बल्लेबाजों को फुटबॉल बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार खेलते हुए पहले पावर प्ले के समाप्ति पर ही 58 रन के स्कोर पर अपना स्कोर खड़ा कर दिया और पावर प्ले में ही त्रिपाठी ने कुटाई की हद कर दी और मात्र 22 गेंदों में ही 44 रन खड़े कर दिए और भारत का स्कोर 8 ओवर के अंदर ही 87 रन पहुंच गया था। और इस तरह से त्रिपाठी की पारी का जब अंत हुआ तो दोस्तों त्रिपाठी को जाने के बाद भी अभी तक पारी का अंत नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक पारी की कमाल शुभमन गिल के हाथों में थी और शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा और बहुत ही भयंकर मात्र 63 गेंदों पे उन्होंने 126 रन बनाए, जहां उन्होंने जबरदस्त मात्र 35 गेंदों में अपने T20 का पहला शतक बनाया। फिर सूर्या आए, जब सूर्या भी फ्लॉप रहे, मात्र 13 गेंदों पे 24 रन बनाकर आउट हो चुके और पवेलियन में लौट चुके थे। लेकिन आज जिस तरह से गिल का बल्ला आग उगल रहा था, उनके सामने सबका बल्ला कमजोर ही नजर आ रहा था। जब सूर्या के साथ हार्दिक बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने भी कीवी गेंदबाजों के जमके छक्के छुड़ा दिए थे और इस तरह से इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी के चलते न्यूजीलैंड को भारत ने 235 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में न्यूजीलैंड के जब बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए तो दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि अब तक न्यूजीलैंड कभी भी किसी भी स्कोर के लिए 200 रन का पार का पीछा नहीं कर पाई थी और यह तय माना जा रहा था कि भारत की आज जीत हो ही जाएगी। और लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम पहले 3 ओवरों में ही अपने घुटने टेक दी और मात्र 7 रन पे अपने 3 विकेट गंवा बैठी। पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने मात्र 5वीं गेंद पर ही फिन एलियन को पवेलियन पहुंचा दिया था और सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही ज़बरदस्त कैच किया था। हालांकि यह तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि असली पिक्चर तो दूसरे ओवर में देखने को मिला। जब आशदीप ओवर लेके आए तो उन्होंने भी एक शानदार गेंद करते हुए एक और विकेट अपने हाथों में ले लिया था और इस तरह से मात्र 7 रन पे ही कीवी बल्लेबाजों का 4था विकेट गिर चुका था और इस तरह से पारी का अंत होते हुए मात्र 66 रन पर ही पूरी पारी सिमट चुकी थी और भारत ने यह मैच आसानी से अपने नाम कर लिया था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं आगे भी इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।